नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त मैं हूं जिला अस्पताल परिसर में। यहां पर आपको बता दूं कि कलेक्टर के आदेश के 24 घंटे गुजरने से पहले ही प्रशासनिक अमला तबाहतोड़ कार्रवाई में जुट चुका है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि कलेक्टर द्वारा दिए गए सभी कामों, जिसमें पेड़ों की कटाई, चटाई, विद्युत पोलों का हटना शुक्रवार की सुबह होते ही शुरू हो गया। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पेड़ों की कटाई चल रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डबल दरवाजा बनेगा, जिससे आवागमन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप सामने इस पूरे जगह को देख रहे हैं, जो एक निर्माण कार्य बना हुआ है, यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड नजर आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से निकलने में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हमने बात की तो बताया जा रहा है कि इसको भी तोड़ा जाएगा, जिससे यहाँ पर एक थोड़ी सा खुला हुआ मैदान सा नजर आएगा। अभी आपको बता दूँ कि कलेक्टर साहब इस वक्त अस्पताल परिसर में मौजूद हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं कलेक्टर साहब के पास, जो निरीक्षण कर रहे हैं, क्या तरह के निर्देश अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पर दे रहे हैं। वोट सब दे रहे हैं। नहीं नहीं, तो दोबारा नहीं नहीं, आप इनको दूसरे आएंगे ना, अब की बार छोड़ो जंगल में। अभी परसों भरवाए थे मैंने सर, एक दिन दो बार वाला था। अभी 40 किलोमीटर नहीं, वो जब ये बारे में आए सर, दूसरे दूसरे को यहाँ कहाँ से ला बिल्कुल से अभी हमने बिल्कुल निरंग कर दिया था। बिल्कुल राजू राजू ₹2,000-5,000 कैमरा खरीदने, एक कैमरा कितने का आता है? 3,500-4,000 रुपए का नहीं, 2,000 रुपए कैमरा में खरीदना। आप कैमरा जो है वो जो भी कंपनी कौन सी अच्छी है, एक विजन के नाइट विजन कैमरा कितने का आ रहा है पता करो जाके, अभी पता करिए और उसको बुलाइए अभी लड़के को। अभी बजाय 3 शाम के 7 बजे तक मुझे वो चार के स्पॉट वाले कैमरे, नाइट विजन कैमरा चाहिए हाई रेजोल्यूशन। वहीं जिला अस्पताल में रखी हुई महीनों से इन कारों की हवा भी निकाली गई, क्योंकि यहां पर करीब 3 महीने से ज़्यादा हो गए और ये कार यहीं खड़ी हैं। इसके बाद कलेक्टर ने आदेश दिया कि इन सभी गाड़ियों की हवा निकाल दी जाए, तो कर्मचारी हवा निकालते हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए गाड़ी की हवा निकाली जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि कलेक्टर साहब ने मुख्य द्वार के गेट के तत्काल अतिक्रमण हटाने को कहा था, जिस पर आज सुबह नगरपालिका बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा और उन्होंने अस्पताल के मुख्य द्वार की दोनों तरफ से बरसों से काबिज गुमटीधारियों को हटा दिया। कुछ ने अपनी गुमटियों को 3 टप्पर खुद ही निकाले, लेकिन आपको बता दूं कि लगातार यहां पर जेसीबी मशीन के द्वारा नगरपालिका एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई और उनकी गुमटियों को वहां से हटवाया गया। मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।